ब्लैक मनी, ये मोदी 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 सुनते बैठे शर्म आती है, हमारे मोदी जी सामने बैठे हैं जी। मैडम, यस मैडम, 3 मिनट प्लीज, आई एम सॉरी। जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है विपक्ष की ओर से मंत्रिपरिषद के खिलाफ, उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। yes. मैं अपनी पार्टी की ओर से पुरजोर विश्वास व्यक्त करता हूँ, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों का भरोसा है, बिहार के लोगों का ज़्यादा ही भरोसा है। मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2 चीज़ों की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। बिहार जिसका अपना एक इतिहास रहा है, माननीय गृह मंत्री जी जब बोल रहे थे उन्होंने चर्चा की लिच्छवी गणतंत्र की, हमें भी फक्र महसूस होता है कि उस धरती से हम लोग आते हैं। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में उसकी रोशनी जाती थी, लेकिन जब उसी बिहार के बारे में बीमारू राज्य शब्द हम सुनते हैं तो अंदर से कष्ट पहुंचता है। आखिर क्यों हम बीमारी राज्य कहलाने के लिए अभिशप्त हैं? अब तक बिहार के नौजवान दूसरी जगह जाकर निर्माण का काम करते हैं, बिहार के लोग इतने मेहनत करने वाले लोग हैं, IAS IPS बड़ी संख्या में वहाँ से लोग निकलते हैं, देश के अन्य हिस्सों की सेवा करते हैं। भारत की सरकार में कोई शायद ही कोई विभाग जहाँ बिहार का अधिकारी प्रमुख पद पर न हो, इतनी क्षमतावान बिहार। लेकिन बिहार के नौजवान जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए, बड़ा काम करने के लिए कहीं जाए हमें खुशी होती है, लेकिन अपना पेट पालने के लिए बिहार का नौजवान अपने घर को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जब अपने घर से बाहर जाता है और वहाँ भी जाकर अपमानित होता है, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, तो अंदर से कष्ट पहुँचता है। क्या है बिहार के नौजवानों का, क्या है बिहार के लोगों का दोष? इतिहास ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है, इसलिए बिहार की आज ऐसी स्थिति। हमें पूरा पूरा भरोसा है, आज बिहार के 1-10 करोड़ लोगों का भरोसा है भारत के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, उनके भरोसा के अनुकूल बिहार पर विशेष ध्यान देने की कृपा की जाए। मैं बिहार के 10 करोड़ लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ। प्लीज महोदय, अभी चर्चा चल रही थी न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व नहीं है, जो शोषित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। महोदया, जो स्थिति है उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, और सिर्फ उनके प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं है, आज जो स्थिति है, जो कॉलेजियम का सिस्टम है, बहाली की प्रक्रिया है हायर जुडिशियरी में, उसका परिणाम है कि OBC ST SC ST वर्ग के तो लोग नहीं, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी चिंता व्यक्त की है, महिलाओं की संख्या भी लगभग नगण्य है। इनकी बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, वंचित शोषित समाज के लोग हैं, आज जो वहाँ स्थिति है, उस स्थिति के चलते, उस प्रक्रिया के चलते, गरीब परिवार का, ब्राह्मण परिवार का भी कोई नौजवान चाहे जितना मेरिट रखने वाला हो, अगर चाहे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हम जज बन जाएं, तो उनके लिए रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है। महोदय, आज सभी के लिए बंद है। एक तरफ कहा जाता है कि लोगों को हक मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, मेरिट को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मेरिट को अवसर वहाँ नहीं दिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं इस सदन में कि उसको बदलने की बात, उस सिस्टम को बदलने की बात होनी चाहिए। जब तक वह सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक वहाँ सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम चाहे कुछ भी कोशिश कर लें, लोगों को न्याय दिलाने में हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ हो हमारी सरकार। हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, यहाँ अमेंडमेंट आया, पार्लियामेंट के दोनों सदन ने उसको पारित किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट बनाने का काम हुआ, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किसी और सरकार ने नहीं किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने करने का काम। लेकिन इस निर्णय को, और मुझे खुशी है कि वह जब निर्णय हो रहा था पार्लियामेंट में बहस चली, एक मिनट, जब बहस चल रही थी, चाहे इस सदन में हो उस सदन में हो, तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने उसका समर्थन किया था। समर्थन के बाद एक्ट बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसको नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अस्वीकार कर दिया। महोदय, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम कैसे चलता है, उस कॉलेजियम सिस्टम के एक सदस्य ने कहा, एक सदस्य ने कहा कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, वहाँ यही फार्मूला चलता है। वहाँ कोई विचार नहीं, वहाँ कोई मेरिट देखने की बात नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अभी सिस्टम के रहते हम तमाम जगह लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन न्यायपालिका जैसी बड़ी संस्था वहाँ लोकतंत्र नहीं है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ, वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, गरीब घर के बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, उनका दरवाजा जब तक बंद रहेगा तब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी